कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरे। मैंने कहा हाथ छोड़ो। I said leave, बस बस बहुत हो गया तुम्हारा। क्या कहा था मैंने तुमसे, मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। समझाया था कि नहीं? और कौन हो तुम? चोर हो ना? सच बताना, चोर हो ना? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे चुराओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? देखो मैंने कुछ नहीं चुराया, वो बस मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल। रियली? जस्ट शट अप यू ब्लडी लायर, जस्ट शट अप। तुम्हें आइडिया है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? मैं यहाँ वेकेशन बनाने नहीं आऊ, काम करने आऊ यहाँ पे। डू यू नो मैंने कितनी मेहनत की थी उस चीज के लिए, कितनी रातें मैंने अपने ऑफिस के डेस्क पे बिताई उस चीज के लिए, and it all failed. It all got ripped. तो मैंने कुछ नहीं किया। अपने घटिया एक्यूजेशन अपने पास रखो, मुझ पर मत डालो। मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां क्या चल रहा था। देखने में, सुनने में और समझने में ना बहुत फर्क होता है। भी मैं हजार बार कहूंगी मैंने कोई चोरी नहीं किया। मैं भी हजार बार कहूंगा दैट यू आर अ थीफ। चोर हो तुम, यू आर अ ब्लडी थीफ। तुमने चोरी की है? नहीं। एक्सेप्ट कि तुम चोर हो। हटो, दूर रहो मुझसे। लिसन, इट्स माय वे और माय वे। माया वे। कोई पेश आता है लड़की से, तुम्हें पता नहीं लड़की से कैसे बिहेव किया जाता है? नहीं पता, लेकिन तुम जैसी लड़कियों के साथ कैसे पेश आते ना ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। You know what I mean? हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़। अंदर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? ये देखो तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना, मेरी कैब से नहीं। तुम ये क्यों कर रहे हो प्लीज? देखो ये मेरी बीजी के लिए हुई कैब है, कुछ मत करो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम करना क्या चाहते हो, विल यू प्लीज टेल मी? अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, प्लीज गाड़ी रोक दो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, मैं भी देखती हूँ क्या बताना चाह रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मेरी तुम्हें लग जाएगी, प्लीज स्टॉप इट। आई टोल्ड यू ना, इट्स माय वे और माय वे। प्लीज स्टॉप इट या नो नो नो। ये मेरी पीछे की पूरी जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट थी यार। नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से जो ऐसे जिंदगी बचाने का ड्रामा करते हो खाली। अगली बार मेरे साथ नाटक किया ना तो जो हाल आज तुम्हारी कैब का हुआ है अगली बार तुम्हारा होगा। इस बार मुझे मिली हो, जिंदगी में दोबारा कभी मत मिलना।
सॉरी बीजी, सॉरी। हेलो कंट्रोल रूम, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से टोइंग वैन भेजियो। या जरा देखो आसपास तलाश लो। इंस्पेक्टर साहब, आपने उसे जाने कैसे दिया? आपको उसे पकड़ना होगा, उसी ने मेरी कैब की ये हालत की है। वहाँ भी पता नहीं किसका एमएमएस निकाल रहा था वो। मैडम आप मेरी बात सुनिए, वो शराब पीकर लड़कियों से बदतमीजी करता है। मैं तो कहती हूँ वो एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल नहीं है मैडम वो, बल्कि वो एक जर्नलिस्ट है। जी हाँ मैडम, पहले पहले हमें भी लगा कि वो क्रिमिनल है, पर हमने पूरी तहकीकात की, उसके पास प्रॉपर आईडी कार्ड है जर्नलिस्ट का। और रही बात आपकी गाड़ी की, तो हम लोग एफआईआर जरूर लिखेंगे मैडम। आप कहाँ रहती है बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी मेरा पहला ट्राई चूक गया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अंबू का पता लगाकर रहूंगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था कि मेरे अब्बू जिंदा है या नहीं। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। मेरे अब्बू जिंदा है। तो अच्छा है कि मेरी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एंड मोमेंट पे मैंने ये स्पाई कैमरा फिक्स कर दिया, ना कुछ हाथ नहीं लगता। और रोजी के बॉयफ्रेंड का भी फोन हाथ लग गया, इससे भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद आई हैव इनफ टू रीच दैट मजाज खान। उठो उठो, तुम ठीक हो? चोट लगी है क्या तुम्हें? यहां पर कोई आया था क्या? No.
एक महीने से काम कर रहा था, इस पे सब खत्म हो गया। I have nothing left now. क्या हो गया? कोई जरूरी सामान था क्या? मैं वो होटल स्टाफ को बुलाऊं? आज शायद सारे कैब वालों की छुट्टी है, लेकिन मैं हाजिर हूं। ए, मेरा बैग।